Hello, good afternoon to everyone. I'm Deepika Joshi. I'm from Kailas, Sector 71, Noida. The topic for today's med talk is antenatal and postnatal physiotherapy. Basically, pregnancy, सबको पता है, बहुत important part है एक woman की life का, family और society का. अब antenatal और postnatal होता क्या है? Antenatal physiotherapy is basically जो जब एक woman conceive करती है, till the childbirth. उस पीरियड को कहते हैं एंटीनेटल पीरियड. ये जो डिवाइडेड होता है वो तीन ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इट बिगिंस फ्रॉम वीक वन, बेसिकली जब मदर कंसीव करती है, टिल द एंड ऑफ थर्टींथ वीक. सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 14th वीक टिल द एंड ऑफ 26th वीक, एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 27th वीक टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, विच इज 40 वीक्स. Secondly, what is postnatal period? Postnatal period जो है वो है from childbirth till जब तक आपकी जो mother और baby है वो properly अच्छे से healthy ना हो जाए. Basically वो end करता है till 6 weeks to 6 months. अब antenatal में सब ये बोलते हैं कि exercises हम क्यों करते हैं, आजकल क्यों physiotherapy की ज़रूरत पड़ती है. Basically आजकल इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि lifestyle बहुत ज़्यादा change हो चुका है. आज की जो वुमेन्स है वो आई डोंट थिंक इतना फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते हैं, या उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उनका मोस्टली सिटिंग जॉब है, तो हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं होता है जैसे पहले की वुमेन्स में रहता था. पहले की वुमेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीनस एक्टिविटी करती है. ऐसा नहीं कि आज की वुमेन्स में कोई प्रॉब्लम है या वो ज़्यादा फिजिकल बाहर जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, फिर भी नहीं हो पाता है. बट बेसिकली पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, एज इन की मॉपिंग है, पोछा लगा ली घर पे, बकेट्स, हैवी वाटर बकेट्स उठानी है, और सारे काम जैसे हाथ से हो रहे हैं, फिजिकली सारे काम हो रहे हैं. आजकल के क्या है कि सबके लिए एक लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ चुका है, जिसकी वजह से आजकल वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, यू हैव मेड्स इन योर हाउसेस फॉर मॉपिंग, झाड़ू लगाने के लिए हर एक चीज़ है. वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया, वॉकिंग कम हो गई है. आजकल लोग कन्वीनियंस यूज करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी जितनी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उतनी नहीं मिल पाती है. ओके, और ऐसा नहीं है कि हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत इसलिए है कि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसके लिए हम फिजियोथेरेपी लेते हैं. हम बेसिकली फिजियोथेरेपी इसलिए भी करवाते हैं कि आपकी जो हेल्थ है, वो चाहे सिजेरियन हो, सी सेक्शन हो, या एक नॉर्मल डिलीवरी हो, एक मदर बहुत ही हेल्दी रहे और उसका बेबी हेल्दी रहे. ओके, तो हम बात करेंगे हर एक एक ट्राइमेस्टर की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे जो हमारा बेबी होता है, जो फीटस होता है, वो प्रॉपरली एक एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं होता है, प्लस वो प्लेसेंटा भी प्रॉपरली अटैच भी नहीं होता है. इसलिए इन द इनिशियल फेजेस कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज आपको अवॉइड करनी है. तो इस केस में हम लोग फिजियोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं बेसिक्स, वो आपको स्टार्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल पर्स लिप ब्रीदिंग. अब पर्स लिप ब्रीदिंग जो है वो ये आपके लेबर के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारा वूम का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, इसकी वजह से जो हमारे डायफ्राम है, विच इज़ द मेन मसल फॉर ब्रीदिंग, वो भी थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ पुश होने लगती है, जिसकी वजह से जो लंग कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है. अब इसकी वजह से क्या है कि हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो प्रॉपरली रहे और मसल्स जो है वो हेल्दी रहें, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की बहुत ज़रूरत है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पर्सनली ब्रीदिंग हम बेसिकली कैसे रखते हैं, जो हमारा इनहेल और एक्सहेल होता है वो 3:5 के रेशियो में रहना चाहिए. 3 seconds इनहेल विच इज ब्रीद इन, एंड देन 5 seconds एक्सहेल. एक्सहेल का टाइम थोड़ा सा इलॉन्गेटेड है. इस केस में जो हमारा लिप का पोजिशन है वो थोड़ा सा पर्स्ड लिप रहना चाहिए, विच इज अ विसल साउंड लाइक दिस, और पूरा का पूरा वो एक्सहेल करें. ये जो है ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम वी कंसीव. ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे से कर सकते हो. बेसिकली आप पूरा अपना पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूज कर सकते हो. सेकेंडली, यही जो एक्सरसाइज है पर्स लिप ब्रीदिंग, ये ड्यूरिंग लेबर भी बहुत ज़्यादा काम आता है. बेसिकली ये रिलैक्सेशन टेक्निक भी है. सेकेंड इज, आप जैसे योगा करते हो, योगा में आप अनुलोम विलोम कर रहे हो और थोड़ा सा होल्ड ब्रेथ होल्ड्स कर रहे हो, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस आप इसके साथ ले सकते हो. ओके, सेकेंडली थोड़ी सी बेसिक्स आप शुरू कर सकते हो, जैसे बटरफ्लाई
बटरफ्लाई जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है फॉर प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, हम आपकी इनर मसल्स जो है, थोड़ी सी पेल्विक मसल्स जो होती है वो हल्की हल्की स्ट्रेच होती है, और ये ओवर स्ट्रेच भी नहीं करती है मसल्स को। ओके, तो उसमें आपको बेसिकली लाई डाउन सिटिंग पोजिशन में आप करो, कम्फर्टेबल सिटिंग पोजिशन हो, उसमें पूरे पैर को स्ट्रेच करके लाइक और थोड़ा सा बटरफ्लाई पोजिशन में रखना। ओके, अब क्या है एक्सरसाइजेस, हमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि एक्सरसाइज करते टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी चीज़ को हमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि एक रिलैक्सिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कोई भी चीज़ जो है वो ओवर तुम्हारे फिजियोलॉजिकल रेंज से ऊपर नहीं स्ट्रेच होनी चाहिए। ओके, सेकेंडली आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, बेसिकली एक्सरसाइज से पहले आपको अच्छे से पानी पीना है, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस भी आपको सिप ऑफ वाटर लेते रहना है, और आफ्टर एक्सरसाइज भी अच्छे से पानी पीना है। थर्डली आपको क्या है कि अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अपना पूरा वो है अच्छे से क्लियर करना है, और उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करनी है। कोई भी एक्सरसाइजेस जो है वो आपको ज़्यादा लंबे तक नहीं करनी है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर आप अपनी एक्सरसाइजेस को कम्प्लीट करिए। ओके, और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपको पोछा लगाना है टू गेट टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपकी पूरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको धीरे धीरे एक स्टेज बाय स्टेज आप चलो कि वो आप अच्छे से कर पाओ। ओके, वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 30 to 45 minutes ऑफ वॉक डेली आपको करना ही करना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। और वॉकिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए, एज इन कि जब आप वॉक कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप इतनी तेज वॉक कर रहे हैं कि आपका सांस बहुत फूल रहा है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे वॉक करना है, और ऐसे कि जब बेसिकली टॉक टेस्ट होता है, जब आप चल रहे हो, ऐसा ना हो कि आप चलते चलते आपकी सांस फूल रही है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा सांस फूल रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाओ, टेक अ 2 मिनट रेस्ट, और उसके बाद थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाओ, पानी वानी पियो, और उसके बाद अपनी वॉकिंग स्टार्ट करो। तो इफ इन केस आप एकदम से 30 मिनट्स नहीं कर पा रहे हो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, ग्रेजुअली उसको 5 मिनट्स डेली आप इंक्रीज करो। इनिशियल स्टेजेस में आपके आप इस टाइम पे मना करते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करनी है, ये सब नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी इतनी डेवलप्ड नहीं है कि हम इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो वो भी आप इनिशियली सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली आपको कुछ जो जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो है कि ज़्यादा स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, बेसिक जैसे बटरफ्लाई आपने करनी है, एंकल टो मूवमेंट्स करनी है, स्लाइड लेग रेजेस करनी है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो आपकी मेन एक्सरसाइजेस हैं वो सारी की सारी स्टार्ट होंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी जो है वो अच्छे से एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है, और तो उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप थोड़ी सी उसमें जोर भी दे तो। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे आपने पेल्विक विजिट कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, बेबी का साइज और ज़्यादा बढ़ चुका होता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो बैक पेन, बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से बैक पेन जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है इनिशियली। तो इन ऑर्डर कि हमारा जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप हो जाए और बैक पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाए, तो हम लोगों को सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं कि वो थोड़ा सा बैक पेन रिड्यूस हो। सेकेंडली थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप और बढ़ा लो, वॉकिंग थोड़ी सी और बढ़ा लो, और आप लाइक स्टेयर क्लाइंबिंग भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि पेस ज़्यादा हो, स्लो स्लो आप स्टेयर क्लाइंबिंग करना शुरू कर सकते हो। और स्टेट लैंडिंग करना भी है तो थोड़ा सा स्लाइड टर्न होकर और हैंडल का सपोर्ट लेकर आप स्टेट लैंडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, आप सब कुछ कर सकते हो, बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमारा कुछ हम गिरे ना, फॉल की टेंडेंसी ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप सारी अपनी पेल्विक ब्रिजेस करो, कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस करिए, और थोड़ा सा आप लेग रेजेस करिए, स्टैंडिंग में आपको सारे साइड रेजेस, मार्चिंग, आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। क्रंचेज भी आपको अवॉइड थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, क्रंचेज आपको नहीं करने हैं जिसमें भी यूट्रस पे जोर ज़्यादा पड़ता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, बेंड नहीं करना है आगे की तरफ। अब आप आगे की तरफ बेंड हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वही होता है कि आगे वूम्ब है तो वो ज़्यादा बढ़ रहा है साइज में, तो कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं,
ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना। तो अब इस केस में ये होता है कि कोई चीज नीचे गिरी है उसको कैसे उठाएं, कोई चीज नीचे कहीं पे नीचे बैठना है तो वो हम कैसे बैठे, तो यू जस्ट हैव टू स्क्वाट, हल्के से स्क्वाट करी और फिर आराम से नीचे की तरफ बैठ जाइए। इवन लो फ्लोर सेटिंग भी आप कर सकते हो, लो फ्लोर एज इन की अगर पालथी मार के आप नीचे बैठना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि सिर्फ सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करें, ओके। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें जितना हो सकता है सुपाइन पोजिशन को अवॉइड करना है ड्यूरिंग लाइन। और सुपाइन पोजिशन क्या होती है, बेसिकली पीठ के बल लेटना जिसको हम कहते हैं, वो जितना हो सकता है अवॉइड करना है। जो पीठ के बल लेटने से क्या होता है कि जो हमारी वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे फीटस को, वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो कंप्रेस होती है। तो जितना हो सकता है, अगर 3 to 4 minutes है इट्स ओके, बट नॉट मोर देन 3 to 4 minutes आपको सुपाइन लाइन को अवॉइड करना है। तो अब इस केस में ये है कि अब हम एक्सरसाइजेस कैसे करें सुपाइन की जितनी भी हैं। तो सुपाइन की एक्सरसाइज जैसे 2 minutes है, 2 minutes आपने की, देन टेक अ साइड टर्न, डू रेस्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, देन अगेन सुपाइन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस आपने करनी। सेकेंडली ये जितना हो सकता है आपको साइड टर्न लेटना है, और हो सके तो लेफ्ट साइड ज्यादा लेटिए, वो इस वजह से कि आपका स्टमक है, डाइजेशन अच्छे से होगा, ये सब चीज़ों के लिए आपको लेफ्ट साइड ज्यादा, राइट भी ले सकते हैं पर लेफ्ट ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें लेफ्ट साइड। हमेशा जब भी उठे, वैसे तो वो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, जब भी उठें और लेटें तो हमेशा टेक अ साइड टर्न एंड देन लाई डाउन एंड देन गेट अप, ये हमेशा कोशिश करें। ये आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान, ये प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे। सेकेंडली थोड़ा सा हैवी वेट्स अवॉइड करना है, हैवी वेट की वजह से क्या होता है कि आर्म्स में तो स्ट्रेंथ आता ही है, थोड़ा बहुत आपके कमी पे भी स्ट्रेंथ आने के चांसेस होते हैं। बट जैसे हम लोग कुछ करते हैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज करते हैं, हल्का फुल्का वेट उठा लेते हैं फॉर देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आर्म्स के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक कोशिश करें, वो किसी के गाइडेंस में आप करो अगर आप पहले से कर रहे हो, और स्पेसिफिक मसल के लिए करो। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने आर्म्स का स्ट्रेंथ लगा रहे हो फॉर लिफ्टिंग अ डंबल या कुछ भी, और वो टमी पे जोर आ रहा है, वो स्पेसिफिक आपके आर्म्स या शोल्डर्स की ही एक्सरसाइजेस है। इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लोग कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कैट कैम कैसे करें, वो सेफ होगा नहीं होगा, पेल्विक ब्रिज सेफ होंगे नहीं होंगे, इन सब चीज़ों का आप इनफैक्ट अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे इवन आप हेड स्टैंड भी कर सकते हो। जैसे आपने अनुष्का शर्मा का पोस्ट भी देखा होगा ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसने हेड स्टैंड भी किया था। बस बेसिकली क्या होता है कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है कि आप कैसे आप सेफली कर रहे हो, किसी के गाइडेंस में कोई सपोर्ट में है नहीं है, वॉल सपोर्ट है या नहीं है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आप सब कुछ कर सकते हो, थोड़ी सी बैलिस्टिक मूवमेंट, जंपिंग, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ती है, ओके। दूसरी बेसिक, अब सब ये सब चीज़ें अलाउ इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि बूम में बेबी बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड, तो उसको कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और इस ट्राइमेस्टर से आपको स्टार्ट करनी है वो है आपके स्क्वाट्स। स्क्वाट्स भी कैसे, सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट विद वॉल स्क्वाट्स, सपोर्ट के साथ रहे। अगर नॉट वॉल स्क्वाट्स, आप पहले से स्क्वाट्स करते हो तो किसी के सपोर्ट के साथ आप स्क्वाट्स स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपके पोजिशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पूरा पॉस्चर अच्छे से होना चाहिए कि आपके ज़्यादा बैक पे जोर ना पड़े, ओके। नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप धीरे धीरे पूरा फुल स्क्वाट्स स्टार्ट कर सकते हो। फुल स्क्वाट्स भी आप इनिशियली स्टार्ट करो, जैसे सेवेंथ मंथ में आपने थोड़ा थोड़ा फुल स्क्वाट स्टार्ट करें, प्लस जो आपकी एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्टिंग से चल रही है बटरफ्लाई एंड ऑल, वो सब भी आप शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हो सारी की सारी एक्सरसाइज। अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप बार बार खाने की मतलब फूड की क्रेविंग्स होने लगती है, तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद या 45 मिनट्स के बाद ही आप अपनी सारी एक्सरसाइज करो। सेकेंडली ऐसा ना करो कि इकट्ठे आपने अपनी सारी एक्सरसाइज कर ली, लाइक मॉर्निंग में ही आपने अपना वॉकिंग कर लिया, मॉर्निंग में ही आपने अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, और सारी की सारी जो भी बेड एक्सरसाइज मैट एक्सरसाइजेस हैं वो सारी की सारी अपनी मॉर्निंग में कर ली। डिवाइड योर रूटीन कि मतलब आपने मॉर्निंग में अगर आपने वॉकिंग कर ली तो आप इवनिंग में आप अपनी बाकी एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ट्वाइस अ डे ले लो, स्टेयर क्लाइंबिंग को आप मे बी इवनिंग में शिफ्ट कर लो। तो ऐसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि इकट्ठे आप 2 hours अपने पूरी फिजिकल एक्टिविटी में दे, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर से आप और क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, लाइक डक वॉक हो गई, पिजन स्ट्रेच हो गया, ये सारी की सीरीज जो भी बेसिकली हमारी जो पेल्विक की
मसल्स होती है उनको स्ट्रेच एंड आउट करने के. ओके, कीगल्स इज कीगल्स भी एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ भी के लिए. ये भी आप इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो. अब कीगल्स होती क्या है, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा कीगल्स क्या होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक तो पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए. यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी वुमेन्स कंप्लेन करते कि उनका यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली लीक आउट होता है. वो इस वजह से होता है सॉरी, क्योंकि जो हमारा यूट्रस का साइज बढ़ रहा है वो जो है वो प्रेशर दे रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर पर धीरे धीरे. तो इसकी वजह से आपका जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती रहती है. अब इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लीकेज को, आपको कीगल्स परफॉर्म करने. कीगल्स कैसे करते हैं, ये आप सिटिंग में भी कर सकते हो, लाइन में भी कर सकते हो, इवन स्टैंडिंग में भी कर सकते हो. इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जैसे आप जब यूरिन पास करने जाते हो तो आपको उसको रोकने की कोशिश करनी. अब जब आप रोकते हो तो आपको पता चलता है कि हमारी ये स्पेसिफिक मसल्स हैं जो इस टाइम में इस मोमेंट में काम कर रही है. तो आपको पता आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हमें ये वाली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना. अब क्या है कि अब जैसे आप नॉर्मल अभी भी सिटिंग में हो, आपने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट देम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते करके एंड देन रिलैक्स. इसको कम से कम जितनी भी 12 दिन में कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है. तो ये आपकी इम्पैक्ट प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, और जैसे कि हो गई आपकी डक वॉक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डक वॉक स्टार्ट करो. आप घर पे इफ़ इन केस आप और सारी वो घर के काम कर रहे हैं तो आप पोछा भी लगा सकते हो, बट ऐसा ना हो कि आपकी सांस फूले तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छे से करो, वॉक अच्छे से करो, वॉकिंग थोड़ा सा और बढ़ा दो. ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान रखनी है. सेकेंड, अब करते हैं बात हम पोस्टनेटल पीरियड की. पोस्टनेटल पीरियड कब स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टिल 6 वीक्स टू 6 मंथ्स तक ये एक्सटेंड होता है हमारा पोस्टनेटल पीरियड. जब तक हमारी मदर जो है वो अच्छे से हेल्दी नहीं हो जाती, तब तक बेबी थोड़ा सा और ग्रो नहीं कर जाता. अब पोस्टनेटल की एक्सरसाइजेज हैं कि अब सब होते कि सिजेरियन में हम स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वजाइनल डिलीवरी में हम कब से स्टार्ट करें. बेसिकली वजाइनल डिलीवरी में और सिजेरियन में, वजाइनल में बेसिकली आप जिस दिन आपका बेबी का बर्थ हुआ है उसके मे बी आप 24 आवर्स ले लो, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो. बट उसमें भी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टार्ट कर सकते हो. तो बेसिकली लाइट कॉन्ट्रैक्शन, पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन लाइट आप स्टार्ट कर सकते हो. लाइट 2 सेकेंड्स का होल्ड, 3 सेकेंड्स का होल्ड, और उसको धीरे धीरे आप 3 रेपिटेशन 5 रेपिटेशन लाइट लाइट आप कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लस इस एरिया में भी आप आफ्टर 24 आवर्स आप धीरे धीरे अपने बॉडी की हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप जोर दे रहे हो कि आपके स्टिचेस में थोड़ा सा भी जोर पड़े. दूसरी चीज़ कि आफ्टर डिलीवरी लोगों के ये सब जैसे वॉकिंग का जब स्टेज आता है, ऑब्वियसली जो वुमेंस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट वॉक लेनी है, फर्स्ट स्कूल पास करना है, फर्स्ट रूटीन पास करना है. तो उस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए भी आपको फर्स्ट डे आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपनी एंकल की मूवमेंट, आपकी मसल्स जो लेग की मसल्स है वो अच्छे से वर्क करें. तो इसलिए आप एंकल की मूवमेंट्स अपनी स्टार्ट करो. सेकेंडली, आप थोड़ा सा लेग की बेंडिंग्स और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए. तो ये आप चीज़ें आप थोड़ा सा अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करो कि आपकी मसल्स थोड़ी सी टोन डाउन हो जाए. ओके, और जब भी आप स्टार्ट करो अपने साथ सपोर्ट सिस्टम रखो, धीरे धीरे वॉक करो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप फर्स्ट डे ही फटाफट आप पूरा कॉरिडोर का वॉक ले रहे हैं. जो इनिशियल इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़ है वो है कि वॉशरूम तक आप जा पाए, आप उतना धीरे धीरे शुरू. ओके, अब और किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आप स्कूल पास करने जाते हो, फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल पास करने जाते हो तो ये चीज़ का कंसर्न रहना चाहिए कि आपके स्टिचेस पे ज़्यादा जोर ना पड़े. उस केस में आप क्या करो, जब आप चेयर वॉशरूम में बैठो तो आपका जो पैर है वो एक स्टूल के ऊपर रेस्टेड रहे. ओके, तो स्टूल के ऊपर थोड़ा सा हायर स्टूल के ऊपर रेस्टेड रहे, जिसकी वजह से आपका जो नी है वो हार्ट लेवल से आपके पेल्विक लेवल के से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है. दूसरी चीज़, आपको पीछे की तरफ बेंड नहीं होना, आपको फॉरवर्ड लीन करना. फॉरवर्ड लीन करने से क्या है कि पैसेज जो होगा वो अच्छे से हो जाएगा. थोड़ा सा अपने लेग्स को हल्का सा वाइड ओपन करें कि आपका जो टमी है वो बिटवीन द थाइस प्लेस्ड हो जाए. अब इससे क्या होगा कि आपका जोर थोड़ा सा कम करेगा.
तीन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका कि क्या क्या फूड स्टूल का कि आपको क्या नेसेसरी है। सेकेंड है आपका फ्लूइड अच्छा इनटेक होना चाहिए, फ्लूइड बहुत अच्छे होने चाहिए विद इन 24 आवर्स, ठीक है। थर्ड इज कि आपका फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए डाइट में, ठीक है। फोर्थ इज फिटनेस, फिटनेस में आ जाता है वही जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एंकल टू मूवमेंट, थोड़ा सा नी बेंडिंग जिससे थोड़ी सी मसल्स जो हैं वो मसल्स हैं जॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर फर्स्ट स्टूल पास, ओके। सेकेंडली जैसे कभी वजाइनल साइड पे आप जैसे फीडिंग कराते हैं, इनिशियल है न्यू मॉम्स हैं अब वो फीडिंग कराती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नेक पेन आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस अब बच्चा नया है तो उसको बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने फीड कराना होता है, तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स उनको फीड कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से एक तो सबसे पहले आपका पोजिशन, जिस पोजिशन में आप फीड कराओ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ जो हैं वो पूरा डैंगल ना करें, वो सपोर्टेड रहे कोई भी किसी भी सपोर्ट पे, या तो फीडिंग पिलोज आते हैं उसके सपोर्ट पे रहे। फिर बेबी को अब आराम से रेस्ट कराइए, पीछे बैक पे आपके पिलो सपोर्ट्स ये सब रहें और बैक को स्लाउच नहीं करना है, पूरा प्रॉपरली रेस्ट करना है जिससे आपके लोअर बैक पे स्ट्रेन ना पड़े। तो अच्छे से बेबी को फीड करा के और फिर अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन है सर्वाइकल रीजन पे, शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा हॉट कंप्रेसेस ले सकते हो, ओके। दूसरी चीज़, जब कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी है तो वो आप हमेशा स्क्वाट करके ही लिफ्ट करें, या बेबी को भी उठाना है तो थोड़ा सा स्क्वाट करके बैक को स्ट्रेट रख लें, स्लाउच पोस्चर में बेबी को ना उठाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड चाहिए होता है तो मदर को इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो सिटिंग में ही कराए, लैग में यूजुअली अवॉइड किया जाता है, तो इसलिए सिटिंग में जितना वो कराती हैं फिर उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, आप सिटिंग में वो ज़्यादा रहती हैं तो इसकी वजह से आपके स्टिचेस में भी जोर ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए जितना हो सकता है रेस्ट का टाइम मिलता है उतना आपको रेस्टिंग टाइम लेना ही है। तो 2 घंटे में आपने फीड कराया फिर इमिडिएटली आप अपना जितना आपको बीच में टाइम मिला उतना आप रेस्टिंग टाइम लो। उसके बाद इसी टाइम पर आपको भी पता है कि खाने का कितना इम्पोर्टेंस है, वॉक आप धीरे धीरे करना शुरू करो, वॉक आप इनिशियली करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अपनी एक्टिविटीज़ में आओगे, जितना आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे उतना आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बैक पेन्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अब बैक पेन्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं इतने ज़्यादा? अब बेसिकली ऑब्वियसली आपका वूम का साइज बढ़ रहा है, तो कर्वेचर जो हमारा कर्वेचर्स हैं हमारे स्पाइन में बहुत, एक थोरैसिक कर्वेचर है, फिर हमारा लॉर्डोटिक कर्वेचर है आपके बैक में, तो इसकी वजह से क्या होता है जैसे ही वूम का साइज आगे की तरफ बढ़ेगा तो पीछे वो कॉम्पेंसेट करने का आपका लॉन्गर नंबर कर्वेचर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ की मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्प्लांटेड मेडिसिन, आप कोई थेरेपीज ऐसा सच नहीं ले सकते, इट्स जस्ट कि आप थोड़ी बहुत माइंड एक्सरसाइज करो, तो वो इट इज़ वेरी कॉमन कि आपको बैक पेन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करो और अपना कर्वेचर को बेटर करने की कोशिश करो। एज जितना आपका कर्वेचर बेटर होगा आपका वूम जो है वापस अपनी प्लेस पे आने लगेगा, आपकी कोर्स जो है वो थोड़ी सी टाइटन अप हो जाएंगी, धीरे धीरे आपका बैक पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। बस इनिशियली ऐसा है कि थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट है, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन का टाइम देना, ओके। अब ये है कि जैसे बेबी को वॉक, वो बेबी को फीड कराना है, बेबी को थोड़ा सा बेबी की केयर करनी है, इस केस में आप किसी की हेल्प ले लो, आप अकेले सारी एक्टिविटीज़ ना करो, थोड़ा सा हेल्प किसी की मिल जाती है तो आपके लिए रेस्टिंग अच्छा हो जाता है, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ पूछते हैं कि हम लोग हॉट कंप्रेसेस ले सकते हैं ड्यूरिंग आर बैक पेन्स या ड्यूरिंग आर प्रेगनेंसी, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई पेन किलर ऑइंटमेंट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को आप जितना हो सकता है अवॉइड करें। मॉइस्ट हीट थेरेपी मतलब हल्की हल्की गर्म सिकाई आप ले सकते हो अपने बैक में, बल्कि पर बाकी जगह पे यू कैन यूज, जैसे अगर किसी को बैक नी एंकल पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तब आप उस टाइम पे हॉट कंप्रेसेस ले सकते हैं। अब ये भी है एक क्वेश्चन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आपको लेग स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब लेग स्वेलिंग बस इसी वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि वही है सबका घूम फिरा के एक ही चीज़ है कि आपका वूम बढ़ रहा है, आपका बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेन्स आर्टरी से थोड़ा सा कंप्रेस हो रही हैं, जिनकी वजह से लोअर लो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्वेलिंग जो है ग्रेजुअल नेचुरली है कि वो आएंगी, लेग स्वेलिंग।
इस केस में आपको क्या करना है कि लेग को ज़्यादा देर तक लटका के नहीं रखना है, जितना हो सकता है उसको सपोर्टेड रखना है फुट रेस्ट के साथ, ठीक है। लेग जब आप लेटते हैं तो थोड़ा सा लेग रेज रहे अपने हाथ लेवल के ऊपर से, एंकल टो मूवमेंट्स आपको 40-50 रिपीटेशन वंस इन अ वाइल आपको करनी ही करनी है, जिसकी वजह से अच्छे से पूरा अच्छे से वो सप्लाई हो सके, बट ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप हॉट वाटर बाथ में पैर को रखे, इतना भी ज़्यादा हॉट ना हो, नॉर्मल हो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छे से खाना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही खाना है कि जंक भी आप खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, क्योंकि ओवर वेट भी हो गए तो भी आपके लिए दिक्कत है। जितना आप ध्यान अपना प्री डिलीवरी रखोगे वैसे ही आपको फिर आगे रिजल्ट मिलेंगे। अगर पहले इतना ज़्यादा वेट गेन कर लोगे कि उसको फिर बाद में आपको पोस्ट नेटल पीरियड पर बहुत दिक्कत देगा ही देगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट हो बहुत ही बैलेंस्ड रहे, वो ओवर ना हो जाए कि आप एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करो रैदर देन दी हेल्दी वेट, हेल्दी वेट से ज़्यादा आप पुट ऑन करो कि वो आपको फिर लूजन करने में बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। और इफ़ इन केस आप प्री प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से अपना एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से रख रहे हो, तो आपका उतना ही आपको ईजी रहेगा पोस्ट पीरियड पे अपने वेट को लूज करने के लिए और एक हेल्दी वापस से एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए। दूसरी चीज़ कि अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले जो लेडीज थी वो तो एक्सरसाइजेस नहीं करते थे, उनको तो किसी चीज़ की ऐसे ऐसे जरूरत नहीं पड़ती थी कि फिजियोथेरेपी के लिए, आजकल तो प्रीनेटल योगा क्लासेज और ये सब है, तो इन सब की क्या जरूरत है, हम इतना ज़्यादा ये सब क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अब जो है लेडीज जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी करने में। दूसरी चीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल है, एज इन की पहले इंडियन कॉलेज रहते थे, फिर ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उनको नहीं मना करा जाता था कि आपको उसको यूज़ नहीं करना, वो तो चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या लास्ट ट्राइमेस्टर हो, उन्होंने इंडियन सीट्स ही यूज़ करी, इंडियन टॉयलेट्स ही यूज़ करें, उसमें जो उनका पोजीशन होता है वो उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी पेल्विक की जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच्ड आउट रहती है। बट आज की क्या है कि सारे वेस्टर्न टॉयलेट्स रहते हैं, तो वेस्टर्न की वजह से हमारी पेल्विक, आजकल आप बच्चों को बोलोगे, छोटे बच्चे जो हैं उनको कि आप बैठ के दिखाओ इस पोजिशन में, तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि कैसे बैठते हैं। यही एक इशू है कि जिसकी वजह से हमारी जो पेल्विक की मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, इनिशियली मना करते कि आपको नीचे नहीं बैठना, आजकल इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं सिर्फ इसी वजह से। वही है कि ऐसा नहीं है कि हम ये जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं इट्स फॉर जस्ट कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉट बिकॉज ऑफ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, हम बेसिकली फिजियोथेरेपी होती है इसलिए है कि आप हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर आगे जो है, हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी जो है आगे बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लेट्स वाइंड अप। एंड व्हाट फिजियो एक्सरसाइजेस कैन आई डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने जैसे अभी बताया हर ट्राइमेस्टर की अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग एज इन की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली फोकस करो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, कीगल्स पे और थोड़ी एट इंच एंकल टो मूवमेंट्स और आप बटरफ्लाई स्ट्रेचेस पे, दैट्स इट। और बाकी आप अपना हेल्थ पे, डाइट पे, इन सब पे ध्यान रखें। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप थोड़ी बहुत स्क्वाट्स और ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हो, पेल्विक ब्रिजेस हो गई, थोड़ा लंबा स्ट्रेंथनिंग हो गई, इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। थर्ड से आप जैसे डक वॉक हो गई, जो बेसिक हमें बेसिकली अब थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें डेवलप करना होता है कि आपका लेबर के टाइम पे सारे स्ट्रेचेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू डू फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सरसाइजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में है तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं बेबी को, जब हमें कोई भी एक्सरसाइज करते हो या वॉकिंग करते हो तो ऐसे कोई इश्यूज आते नहीं। विच एक्सरसाइजेस टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल फेज पे बेसिकली प्रोन लाइन एक तो अवॉइड करनी है, प्रोन लाइन कोई भी एक्सरसाइज जो प्रोन होते हैं, प्रोन क्या होता है, पेट के बल लेटना, वो चीज़ों को आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना है। सेकेंडली क्रंचेस, बैलिस्टिक मूवमेंट, जंपिंग, रनिंग, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कैन वॉकिंग टू मच इफेक्ट अर्ली प्रेगनेंसी, नहीं, अराउंड 30 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी डे इज सफिशियंट, उससे बेसिकली वॉकिंग तब इफेक्ट करती है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज वॉक कर रहे हो
या आपकी सांस फूलती है या बातें करते करते कुछ भी एक्टिविटी करो तब वॉकिंग कर लेते हो। दूसरी चीज अनटिल एंड अनलेस आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मना नहीं किया, जैसे किसी का लो प्लेसेंटा होता है एट दैट टाइम आपको रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती उस टाइम पे एक्सरसाइज करनी, उन टाइम पे आपको अवॉइड करना है, दैट्स इट। अदरवाइज आप वॉकिंग पूरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। What exercises are not allowed in the first trimester? जैसे मैंने बताया कि स्क्वाट थोड़ा सा अवॉइड करिए, लो लाइन सिटिंग, लो लाइन एज इन की डक वॉक और ये सब चीजों को अवॉइड करना है। Does exercise affect baby during pregnancy? No, because वो ऑलरेडी एक amniotic fluid के साथ में है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा during pregnancy। बस first trimester में थोड़ा सा अवॉइड करना है। Mom, how can physical therapy already answer? वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ही किसी के गाइडेंस में करनी चाहिए, बिकॉज जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो भी थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी अपनी वेट लिफ्टिंग कंटिन्यू करते हैं, बट वो एक गाइडेंस में करते हैं कि उनके बेबी को वूम्ब में ज़्यादा कंट्रैक्शंस ना हो, ज़्यादा कोर में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो वो सब चीज़ों का, और ज़्यादा ओवर वेट लिफ्टिंग नहीं करनी आपको। बैक पेन हैपेंस ड्यूरिंग वेट प्रेगनेंसी। बैक पेन क्यों होता है? जैसे मैंने बताया था कि वूम का साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, वूम का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके बैक में थोड़ा सा जोर आने लगेगा, कर्वेचर जो होता है वो चेंज होता है। कर्वेचर इज जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसका कर्वेचर बढ़ने लगता है। ऑलरेडी हमारा लंबा जो स्पाइन है उसका कर्वेचर इस तरीके से होता है, ये आपका वूम है और ये आपका बैक है, तो इस तरीके से ऑलरेडी होता है, बट अगर आगे वेट आ रहा है तो वो सारा का सारा आगे की तरफ वेट आने लगेगा और ये कर्वेचर और इंक्रीज होने लग जाएगा। इसके इंक्रीज होने की वजह से जो बैक की मसल्स हैं वो और ज्यादा स्टिफ होने लगती है। Some of the people feel urination problem after delivery, which can be done during pregnancy. These problems. अब जैसे मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस भी किया था कि urination की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा frequent होती है during and after pregnancy. वो इसी वजह से होती है कि वूम का साइज बढ़ रहा है, वो bladder पे इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से frequent urination का प्रॉब्लम आने लग जाता है। सेकेंडली प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, तो आप इनिशियली स्टार्ट करो अपनी सारी की सारी कीगल एक्सरसाइजेस और वो आप परफॉर्म करते रहो स्टार्टिंग से और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आपको बेटर होने लगेगा। जितना हो सकता है कीगल्स को आप बढ़ाते रहिए। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू। और इफ अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए और डिटेल में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं, कैलाश सेक्टर 71। थैंक यू।